सोशल मीडिया पे रामचरितमानस की एक क्षुद्र और शुद्ध दो शब्द चल रहे हैं, तो इसमें वास्तविकता क्या है? वास्तविकता है कि वो शिक्षा के ऊपर कहा गया, उस वक्त उन खास करके उन क्षेत्रों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। और आज भी आप देखिए कि लड़कियों के लिए खास करके, या कई और भी क्षेत्र है जो एजुकेशन के लिए लड़ रहे हैं कि हमें एजुकेशन चाहिए, तो ये बात कितनी पहले उन्होंने कह दी कि ये शिक्षा के अधिकारी हैं। अर्थ शिक्षा होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत सिंपल सी आपको बात बताती हूँ मैं, जो सनातन धर्म के लिए कहा गया है कि आपके 33 कोटि का मतलब क्या होता है? अलग अलग। एग्जैक्टली, लेकिन कोटि का एक अर्थ करोड़ भी होता है, जो समझ लिया लोगों ने 33 करोड़ देवी देवता। एग्जैक्टली, तो वहां पर भी, वहां पर शिक्षा अर्थ है। वहां पर जो शब्द ताड़ना किया है वो शिक्षा का अर्थ है कि शिक्षा के अधिकारी है, क्योंकि उस वक्त शिक्षा नहीं दी जा रही थी, उनको शिक्षा से पीछे खींचा जा रहा था। तो ये उन्होंने इतनी पहले कह दिया, जो हम आज भी लड़ रहे हैं। तो अगर उनकी बात पहले समझ गए होते तो आज लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें शिक्षा आसानी से सबको मिल गई होती। जिस तरह से रामचरितमानस के लिए कहा था, उस रामचरितमानस के लिए काफी कुछ धार्मिक चीजों को लेकर काफी डिबेट भी हो रही, तो उस बारे में आपका कुछ ऐसा? आप पढ़िए ना, आप खुद पढ़िए, मैं इसीलिए कहूंगी, आप किसी को और को मत सुनिए, आप किसी की बात मत सुनिए, आप खुद पढ़िए, आपको अच्छी लगेगी, आपके जीवन में बदलाव लाएगी। मैंने किसी और को सुन के काम नहीं किया है, मैंने खुद पहले पढ़ा है, मैंने चीज़ों को समझा है, मेरे खुद के बड़े प्रश्न आए हैं और मेरे परिवार ने सपोर्ट किया मुझे उन प्रश्नों के उत्तर देने में। तो प्रश्न आते हैं जब आप शास्त्र पढ़ते, कई प्रश्न आएंगे आपको कुछ। और एक सिंपल सी बात है, जो लिखे हैं उनकी उनका जो मानसिक स्तर है और हमारा जो मानसिक स्तर है, एक कैसे हो सकता है कि आपको लगेगा एक बार पढ़ने में आप समझ जाएंगे कि वाल्मीकि जी ने क्या लिखा था या तुलसी बाबा ने क्या लिखा था। इतने तो ज्ञानी हम नहीं हैं, आपको समय लगेगा, आपको गुरु चाहिए जो आपको सही अर्थ समझाए। अब आज अर्थ का अनर्थ हो रहा है, हम समझ ही रहे, तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आप सब कुछ सोच रहे हैं हम ही ज्ञानी हैं और हम ही सब समझ जाएंगे, ऐसा नहीं है। देखिए, मैंने कथा में बहुत सुंदर तरीके से कहा था कि राजनीति बिल्कुल ख़राब नहीं है अगर कृष्ण सी करी जाए तो अगर राजनीति कृष्ण सी, और कृष्ण सी करने के लिए आपको धर्म समझना पड़ेगा, आपको धर्म सीखना पड़ेगा, आपको गीता जी पढ़नी पड़ेगी, कि जो हम कहते हैं ना, गीता को मानते हैं, गीता की नहीं मानते, तो आपको गीता की माननी पड़ेगी। और अगर आप उसको देखकर राजनीति करते तो उससे अच्छी बात और कुछ नहीं। हम चीज़ें आपको अच्छे के लिए मिलती है, आप उसका बुरा इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया आपको अच्छे के लिए मिला है, आज आप सामने हैं, मैं यहाँ बैठी हूँ, आप मेरी बात हर घर तक पहुँचा सकते हैं, ये एक अच्छा है। लेकिन अगर वो बात मोड़ के घुमा के करेंगे तो ये गलत है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।